हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर के पाट बंगाला मैदान में वर्ल्ड प्रोफेशनल एमएमए चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि रेसलर ग्रेट खली थे। हम फिट तो इंडिया फिट थीम लेकर आयोजित किए गए इस चैंपियनशिप में 18 देसी एवं विदेशी महिला एवं पुरुष फाइटर ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर बुशहर के पटला बंगला मैदान में वर्ल्ड प्रोफेशनल एमएमए चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि रेसलर ग्रेट खली मौजूद रहे। हम फिट तो इंडिया हिट थीम लेकर आयोजित किए गए इस चैंपियनशिप में 18 देशों और विदेशों से आई महिलाओं और पुरुष फाइटर्स ने हिस्सा लिया। इसमें प्रमुख मुकाबले में पहला मुकाबला अफगानिस्तान के रोमन और रामपुर बुशहर के रहने वाले कपिल के मध्य टाई रहा। इस तरह ईरान के जावेद को भारतीय साहिल राणा ने हराया। नाइजीरिया के जस्टिन कैनेडी ने भारत के शुभम मलिक को हराया। भारतीय फाइटर मोनिका को जेवा मणिपुर ने हराया। भारतीय फाइटर प्रदीप हुड्डा को सूरज झा ने हराया। ग्रेट खली ने इस दौरान युवाओं को खेलों में आगे आने के प्रति प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचली होने के नाते हिमाचल के युवा खेलों में आगे बढ़े, ऐसा वे प्रयास कर रहे हैं। समारोह के दौरान आनी के विधायक किशोरी लाल, हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी समेत आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मास्टर भूपेश UFI इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मास्टर भूपेश ने बताया कि इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का मकसद युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है और अधिक से अधिक युवाओं को खेलों की ओर अग्रसर करना है। इस तरह के प्रयास युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। आज जो हमारा ये वर्ल्ड प्रोफेशनल एमएमए चैंपियनशिप हो रहा है, यहाँ पे देश और विदेश के बहुत सारे फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं और हमारी एक पहल है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो यूथ, जो युवा वर्ग नशे की चपेट में, वो नशे से बाहर निकलें। हमारा इसको करवाने का मकसद है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में जुड़े, स्पोर्ट्स के माध्यम से वो नशे से दूर हों, तो ये हमारी एक अच्छी पहल है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।